हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी किचन ब्लॉग। फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का गुजिया। मावा गुजिया तो आपने बहुत खाया है, लेकिन आज हम होली स्पेशल में सूजी की गुजिया बना रहे हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं, हमने ले लिया है 1 कप मैदा, मोयन देने के लिए 1/4 कप हम इसके लिए रिफाइंड ऑयल ले लेंगे, और ये हमने रबड़ी ले लिया है, खोया नहीं है, इसको हमने रबड़ी बना लिया है, और ये सूजी, ये पिसी हुई चीनी, इसमें हमने इलायची पीस लिया है, और ये हमने गरी का बुरादा और चिरौजी ले लिया है। अब आइए, सबसे पहले हम डो लगा लेते हैं। पहले हम मैदे को 1 कप में डाल देंगे। अब इसको हम मोयन कर लगा लेते हैं। अब इसको हम हाथों से अच्छे से मोयन लगा लेंगे। हमको इतना रखना है कि ये मुट्ठी बंध जाए। मोयन हमने अच्छे से लगा लिया, आप देख सकते हैं मुट्ठी हमारी अच्छे से बंध रही है। इससे ज़्यादा हमें मोयन नहीं, इतना ऑयल बच गया है, और इसी तरह से हम इसको अंदाज लेंगे। इसी तरह से आप लगाइए, बहुत ज़्यादा मोयन होने से गुजिया हमारे फट जाएंगे। अब इसको हम पानी से सॉफ्ट डो लगा लेंगे। आप देख सकते हैं हमने सॉफ्ट डो लगा लिया है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रख देंगे, और आइए तब तक हम सूजी का मसाला तैयार कर लेते हैं। गैस को हमने जला लिया है, इस पर हमने कढ़ाई रख दिया है। अब इसे अच्छे से हम गर्म होने देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई, इसमें हम सूजी डाल देते हैं। पहले हम 1 मिनट इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे, चलाते रहेंगे, फिर उसके बाद गैस की फ्लेम हम धीमी कर देंगे, तब भूनेंगे। इसमें हम कोई भी ऑयल नहीं डालेंगे, हमें ऐसे ही भून लेना है इसे। सूजी को हम बराबर चलाते रहेंगे। सूजी आप हमेशा महीन वाली लीजिए, बहुत मोटी सूजी ना रहे। सूजी को हमको खुशबू आने तक इसे भूनना है, हल्का सा ये कलर अपना चेंज कर दे। सूजी हमारी लगभग भून के तैयार है, आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया है थोड़ा थोड़ा इसका। इसे कुछ सेकेंड और भून लेंगे। सूजी हमारी भून गई है, अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देते हैं। इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इसे हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। इसमें हम अपनी रबड़ी मिला देंगे। इस तरह से हम ड्राई फ्रूट, और भी ड्राई फ्रूट अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। चीनी भी डाल देंगे हम, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इसमें हमने इलायची डाला हुआ है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब भी आप इसको मिक्स करें तो इसी तरह के बर्तन में मिक्स करें, नहीं तो अगर गहरे बर्तन में मिक्स करेंगे तो ये जल्दी ठंडे नहीं होंगे और ढीले पड़ जाएंगे।
इसी तरह से हम सारे गुजियों को अच्छे से बेल लेते हैं। इसको ना हम बहुत मोटा रखेंगे ना बहुत पतला रखेंगे, बहुत पतला रखेंगे तो ये फट जाएंगे, बहुत मोटा रखेंगे तो अंदर से कुछ पता नहीं चलेगा। इसे हम मीडियम साइज का रखेंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं गुजिया। इसका रेशियो है, अगर 1 किलो खोया है मावा है तो उसमें आप 1 पाव सूजी डाल दें। वैसे तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी अगर यही रखेंगे तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इस तरह से हम बना के रख लेंगे। पहले आप सभी गुजिया को इकट्ठे बेल लें, तो फिर कढ़ाई में तेल चढ़ाएं, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है इसको बेलने में, तो कढ़ाई में इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे अच्छे से। इस तरह से हमने गुजिया को बेल लिया है, आप देख सकते हैं तेल भी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे गुजिया को। गैस की फ्लेम हम कम कर देंगे और एक साथ जितना एडजस्ट हो पाए उतना गुजिया हम इसमें डाल देंगे। अगर आपको लग रहा है कि तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है तो आपकी गैस की फ्लेम थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, कुछ सेकंड के लिए। ऊपर से हम इसके तेल डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। अब गुजिया को हम हल्का सा पलट देंगे। इस तरह से हमने गुजिया को पलट दिया है, इसको हम पलट पलट के सेक लेंगे अच्छे से। तब तक हम इधर और गुजिया बना के तैयार कर लेते हैं। गुजिया आप अच्छे से पका ले, कहीं से भी कच्चे ना दिखे। थोड़ा सा हम सुनहरा होने तक इसे पकाएंगे। इसको पलटना बहुत ज़रूरी होता है, इसे धीमी आंच पर सेकेंगे तभी ये कुरकुरे गुजिया खस्ते होंगे, जल्दी नरम नहीं पड़ेंगे गुजिया आपके। गैस की फ्लेम हम कम रखेंगे। हमने मावा गुजिया का भी वीडियो बनाया है, आप उसे भी एक बार चेक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रहिएगा। गुजिया हमारा तैयार हो गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं किचन टॉवल पे। इसी तरह से सभी गुजिया को हम निकाल लेते हैं। गुजिया हमारी बनके तैयार हो गई, सूजी गुजिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बनके तैयार हो गया है, अभी इसे हम प्लेटिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं गुजिया बनके तैयार हो गई है। अगर हमारी गुजिया की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसी तरह से ट्राई ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल माधुरी किचन ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, हैप्पी होली।